सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवम आपका दोस्त लेके आया हूँ एक और नया व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं दिल्ली के नेशनल साइंस सेंटर, जिसको साइंस म्यूजियम भी कहते हैं। यहाँ पर आप अगर आओगे तो मौज मस्ती के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीज़ें भी सीख सकते हो। जो म्यूज़ियम की टाइमिंग है वो सुबह 9:30 से शाम को 6 बजे तक है, और म्यूज़ियम काफ़ी बढ़िया है। अलग अलग चीज़ें शो यहाँ पर चलता रहता है, तो चलिए म्यूज़ियम में चलते हैं। करते ही कुछ ऐसा सीन आपको दिखेगा सामने। पहले तो यही दिख गया, टोटी चल रही है, बाल्टी भर रखी है। सो फ्रेंड्स, मेरे पीछे ये पूरा एनर्जी बॉल का मैकेनिज्म है। अभी तो ये बंद है, काफ़ी बड़ा है ये, नीचे से लेके पूरा ऊपर तक। अभी मैं वाटर एग्जिबिट में हूँ। यहाँ पे जो हमारे अर्थ पे पानी है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें, वाटर सेविंग से रिलेटेड सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। ये वाटर क्विज शो है, इसको 3 लोग आराम से खेल सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं क्विज है पानी के बारे में, हर चीज़ पे पूछी जाती है। सो फ्रेंड्स, ये मशीन है जो आपका वेट भी बताएगी, जिसके साथ साथ आपके शरीर में कितना पानी है ना वो भी बता देगी। तो मेरा वेट अभी आ रहा है 63.24 kg, और जो मेरे अंदर पानी है वो 38 लीटर है, मतलब 38 लीटर। जा रहे हैं ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी ऑफ हड़प्पा में, हड़प्पा सभ्यता, उसके बारे में जानते हैं क्या क्या चीज़ होती है वहाँ। तो चलिए, हमारा दिल्ली का कुतुब मीनार, जिसके पीछे और भी कई पुरानी चीज़ों से जुड़ी चीज़ें हैं, जैसे कि सांची स्तूप। और ये रॉक कट आर्किटेक्ट, और दिल्ली के जो भी पुराना किला, लाल किला होते हैं, उनकी चीज़ें भी बताई गई हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। और ये ताजमहल,
सो दोस्तों आप देख सकते हो कि पुराने ज़माने में जो लकड़ी की कारीगरी होती थी वो भी कितनी बारीकी से की गई थी। ये एक स्टैचू है उसकी मूर्त, और साथ में ही इंस्ट्रूमेंट जो भी हैं, ढोलक, तबला, पियानो, सितार, सारंगी, फ्लूट, कई चीज़ें। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये ह्यूमन डीएनए, और जिसके साथ साथ ही ब्रेन का इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, और भी कई चीज़ें यहाँ पे जो आप मौज मस्ती के साथ साथ सीख सकते हैं। इस शीशे में देख के आपको अपने आप को बैलेंस करना है, तो देखते हैं मैं कर पाते हैं या नहीं। एक बार फिर देखते हैं, इस बार इधर से आप ठीक जा रहे हैं, कोशिश जारी रखिए। तो देख रहे हो आप टेढ़ा मेढ़ा कितना है। एंट्री टिकट के साथ साथ मैंने फैंटेसी राइड की भी टिकट ली थी, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है। 11 बजे का टाइमिंग था इसका, जिसके साथ में आपको कैफेटेरिया भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप फैमिली के साथ डाइनिंग कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फैंटेसी राइड में कसम से बहुत मजा आया, आप यहाँ ना तो ये राइड जरूर लेना। सो फ्रेंड्स, अब ये नाक की चीज आ गई है, आप इनके अंदर चीजें रखी है वो स्मेल करनी है आपको। हींग लॉन्ग है, इसमें साबुन रखा हुआ है इधर, इसमें पता नहीं क्या था, कपूर एंड वाले में। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी नाक सही है, जुखाम उखाम नहीं है, तभी आप इसको स्मेल करना, वरना आपको पता नहीं चलेगा।
सो फ्रेंड्स ये हमारे पूरे जीभ का जो भी टेस्ट पता चलता है, जीभ में मीठा खट्टा नींबू चटपटा तो सारी चीज़ें, जैसे कि बिटर, इस पर करेला रखा हुआ है तो करेले का टेस्ट जो कि हमको पीछे पता चलता है, और नींबू साइड में, और स्वीट मीठा मीठा इस एरिया में पता चल रहा है, नमकीन आगे नमक। अब हम चल रहे हैं प्री हिस्टोरिक लाइफ में, जहाँ पे जो एक्सटिंक स्पीशीज हैं, डायनासोर्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिख जाएगी। तो चलिए, ये पानी का जानवर, नीचे केकड़ा है मेरे, भाई गुस्से में। भूख लगी है इसको, जो डायनासोर टाइम का सबसे बड़ा खतरनाक डायनासोर था, टी-रेक्स, आपके सामने। फ्रेंड्स डायनासोर टाइम का पूरा घूम लिया है, अब हम जा रहे हैं फन साइंस में, यहाँ पे भी बहुत मज़ा आएगा। अगर आपके बच्चे या कोई भी बड़े आएंगे तो उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया जगह है। यहाँ मैंने एक साइकिल देखी है, जो मैंने सोचा कि अब मैं अपने बेस्ट फ्रेंड जग्गी को गिफ्ट करूँगा, पहाड़ों पे चलाया गया इनको पत्थरों के ऊपर ऊपर से। यहाँ पूरे कांटे कांटे लगे हुए हैं, पर कंफर्टेबल यही है बैठने के लिए, ये चुभ रहा है। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इधर दिख रहा है ना, घूम के जाएंगे तो इधर कुछ नहीं है, रिएक्शन रश्मि यही कर दिया।
हैं जो आप खेल कूद मौज मस्ती के साथ साइंस सीख सकते हो, और भी कई अलग चीज़ें हैं जैसे मेरे पीछे मिरर मेज हो गया, ये भी मैंने आपको दिखाया था, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। दोस्तों ये टनल पूरी मुड़ रही है, आप देख रहे हो, ख़त्म ही नहीं हो रही है, एंडलेस टनल इसे ही कहते हैं। एशियन रिवोल्यूशन गैलरी, तो अब हम यहाँ पे जा रहे हैं विजिट करने। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं बिबेटका केव, जहाँ पे आदिवासियों ने पहली बार बातें करने की कला सीखी थी, गुफाओं में उसकी चीज़ें हैं, तो चलिए। हमको यहाँ पे ये पुराना कैमरा दिखा है जिसका जो स्टैंड पे होता था, फिर खींचते थे फ़ोटो, साथ ही साथ टाइपराइटर, चार पांच टाइपराइटर रखे हैं, ये भी काफ़ी पुराने पुराने हैं, अलग अलग मॉडल्स डिज़ाइंस के, जिसके साथ साथ ये कैमरा भी है। खैर अब तो लोग DSLR फोटोशूट इन सब पे यूज़ करते हैं, और साथ में फिल्म स्टूडियो ऐसे होता था, और कई चीज़ें यहाँ पे देखो आप लोग। अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, कमेंट कर दो, जो कनेक्ट कर दो। दोस्तों आपको यहाँ पे जगह जगह पे पानी और वॉशरूम की फैसिलिटी मिल जाएगी, हर फ्लोर पे वॉशरूम की और पानी की फैसिलिटी है, और साथ ही में पार्किंग की फैसिलिटी है, 4-व्हीलर 2-व्हीलर जो चाहें आप यहाँ ला सकते हैं। सो फ्रेंड्स हमने अब एग्जिट कर लिया है, काफ़ी फन एक्टिविटी की और मज़ा भी आया, और आप चाहें तो इसके सामने ही पुराना किला और चिड़ियाघर है, आप वो भी घूम सकते हैं। यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन है, जिसकी जो यहाँ पे आपको ऑटो और ई रिक्शा की फैसिलिटी मिल जाएगी 20-30 रुपए में, यहाँ पे आपको ऑटो छोड़ देगा। इस वीडियो में बस इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, ओके बाय।